नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के चलते राहुल गांधी को जहां गुजरात की जिला अदालत द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई, वहीं लोकसभा सदस्यता से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। राहुल गांधी के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर कांग्रेस जनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और वे लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के द्वारा छात्र नेता विजय रजक की अगुवाई में एक मशाल जुलूस निकाला गया। इस मौके पर छात्र नेता विजय रजक का कहना था कि देश में तानाशाही इस समय चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जहां लोगों पर झूठे मामले बनाकर जेल भेजा जा रहा है, तो वहीं देश की आम जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है, जिसको लेकर जब राहुल गांधी ने आवाज उठाई तो उनकी आवाज बंद करने का षड्यंत्र शुरू हो गया। सरकार द्वारा उन पर जहां कानूनी कार्यवाही की गई तो वहीं लोकसभा की सदस्य भी छीन ली गई। छात्र नेता विजय रजक ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है और देश की जनता सब कुछ देख रही है, जो आगामी चुनाव में इन्हें सबक सिखाने को तैयार बैठी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जब आज जो मशाल जुलूस निकाला गया है, किन मांगों को लेकर के निकाला है और क्या मकसद? देश के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी, महंगाई अपनी चरम सीमा के ऊपर है और जिस प्रकार से भारत सरकार ने इस बारी देश के नेता, हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को संसद में कहा था कि मोदी और अडानी के संबंध उजागर होने चाहिए देश की जनता के सामने। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा था, क्योंकि एक विदेशी व्यक्ति ने पूरा का पूरा एक सारी चीज़ें जारी करी थी और उसमें इन दोनों के संबंध और देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के करीबी रहे नीरव मोदी, ललित मोदी, मोबिल चौकसी, जिस प्रकार से देश का हजारों करोड़ रुपया लेके भागे, किसी भी सरकार के मुखिया के आंखों के नीचे गरीब आदमी की जनता का पैसा लेके भागे, जो देश की जनता के सामने राहुल गांधी जी ने उजागर करा। राहुल गांधी जी केंद्र सरकार से और देश के मुखिया से पूछना चाहते हैं कि अडानी की जो सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया किसका है? 20,000 करोड़ रुपया के बारे में आज 2.5 महीने हो गए, जनता को आके प्रधानमंत्री को बताना चाहिए या जो बिजनेसमैन है उसको बताना चाहिए कि ये पैसा किसका है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो पैसा भारत सरकार के मुखिया का ही हो। आगे